अच्छा है आप कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं हो, वरना इसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते। हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की, और इस पर आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन क्या आपके मन में ये ख्याल कभी आया है कि अगर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो हमारा क्या होगा? बस कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर किसी को भी नहीं पता कि आखिर बिना गुरुत्वाकर्षण के जिंदगी कैसी होती है। हमारे पूरे ब्रह्मांड से लेकर छोटी छोटी चीजें भी इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे पास ये पहले से ही मौजूद है, इसलिए हम ये सोच नहीं सकते कि बिना गुरुत्वाकर्षण के जिंदगी कैसी हो सकती है। पर सिर्फ तब तक जब तक ये चली ना जाए। गुरुत्वाकर्षण एक चुंबकीय शक्ति होती है जो किसी भी आकार की वस्तु को एक दूसरे की तरफ खिंचाने का काम करती है, और जितना बड़ा आकार होगा उतनी बड़ी इसकी चुंबकीय शक्ति होगी, और जितनी बड़ी चुंबकीय शक्ति उतनी दोनों चीजों की पकड़। गुरुत्वाकर्षण ही है वो चीज जिसकी वजह से पृथ्वी सूर्य के गोल गोल चक्कर लगाती है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ अलग अलग मौसम दिखाई पड़ते हैं, साथ ही में हम धरती पर चल सकते हैं बिना हवा में उड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात गुरुत्वाकर्षण ही है जिसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण रहने लायक है, और जिसकी वजह से हमारे पास हवा नाम की चीज है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिनमें अगर हम गुरुत्वाकर्षण बताने लगे तो ये वीडियो बनाने में कई साल लग जाएंगे। और अब हम वही देखते हैं जिस कारण से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। हमारी पृथ्वी तो वैसे ही घूमेगी जैसे अब घूमती है, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो भी चीज जमीन से बंधी नहीं है हवा में उड़ जाएगी, गाड़ियां, जहाज और रेलवे भी, और यहाँ तक कि विमान भी, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो नॉर्मली उड़ते हैं। और इनकी हालत कुछ ऐसी होगी, हमारी पृथ्वी एक दिशा में नहीं घूम सकेगी, जिसका असर कई जगहों पे बहुत भयानक होगा, और वहाँ पर हवा इतनी तेज होगी जो इंसान को भी अपने साथ ले जाए। इसका मतलब आप हवा में कई किलोमीटर तक उड़ते रहेंगे, और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें और जानवर भी, सारे वृक्ष, मिट्टी और यहाँ तक कि पानी भी हवा में फैलना शुरू कर देगा। इससे ऑक्सीजन तो खत्म होगा ही, लेकिन साथ ही में हवा के दबाव से हमारे कान फट जाएंगे, और पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक जगह जुड़ी हुई है अंतरिक्ष में फैल जाएगी। लेकिन एक चीज तो हम भूल ही गए, जब लावा की वर्षा आसमान से होगी तब नजारा देखने लायक होगा। और अंतरिक्ष की बात करें तो जहाँ पर हमारे ग्रह सूर्य के गोल गोल घूमते थे अब कहीं पर भी भटकना शुरू कर देंगे, और उनके साथ हमारी पृथ्वी भी होगी। और जैसे तैसे करके आप इसके परिणामों से बच भी जाओ तो जब गुरुत्वाकर्षण वापस आ जाएगा तब आप बहुत तेजी से जमीन पर आ जाओगे या फिर किसी बड़ी चीज के नीचे दब जाओगे। गुरुत्वाकर्षण के साथ हमारा ऑक्सीजन तो आ जाएगा, लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी तो आते ही रहेंगे, और सभी जगह समंदर का पानी भी फैल जाएगा। पृथ्वी पर इसके परिणाम तो बहुत भयानक होंगे, लेकिन जब तक गुरुत्वाकर्षण वापस आएगा तब तक पृथ्वी पर कुछ बच भी पाएगा या नहीं, और इसे ही आपको पता चलना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का महत्व कितना बड़ा है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पहुँचा दीजिए अपने दोस्तों के पास ये वीडियो। पूछिए कि उनको क्या लगता है इस बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।